हैं कि काफ़ी साल बाद आज मुस्कान रौनक को आपके अपने आँखों के सामने देख रही है। करेक्ट, बहुत सालों बाद मुस्कान को फाइनली वो चेहरा दिखा है जो वो कब से देखना चाह रही है, कब से जिसके इंतज़ार में है। पर वो कुछ नज़ारा जो है वो ऐसा नहीं था जो मुस्कान ने कभी सोचा था। थोड़ा सा झटका लगा है मुस्कान को, थोड़ा क्या, बहुत बड़ा झटका लगा है। उसकी पूरी दुनिया ही जैसे बिखर गई हो। सो आई थिंक मुस्कान के लिए एक ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है जहाँ पे उसके इमोशंस हर तरह से अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। उसको बहुत एक सुकून है रौनक को अपनी आंखों से देखने का, उसकी आवाज़ सुनने का। एक दुख है कि वो उसके साथ नहीं है, एक थोड़ा सा गुस्सा है कि ऐसे क्यों हुआ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं, इमोशन से ज़्यादा उसके सवाल हैं कि क्यों, क्या, कैसे, कब। तो आई थिंक इसी बीच मुस्कान अभी अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है।